भारत इस वक्त कोरोना वायरस की दूसरी लहर का मुकाबला कर रहा है। जिस तरह से कोरोना वायरस के नए मामले सामने आ रहे हैं, ये लहर पहले वाले से भी अधिक गंभीर और खतरनाक लग रही है। इसका अंदाजा इसी हिसाब से लगाया जा सकता है कि सोमवार को देश में 1 लाख से अधिक केस सामने आए हैं, जो अब तक रिकॉर्ड है। इस सबके बीच चिंता की बात यह है कि भारत इस वक्त कोरोना की गंभीर मामलों की लिस्ट में सबसे ऊपर है, यानी कि कोरोना के जितने भी एक्टिव केस इस वक्त दुनिया में हैं, उनमें सबसे अधिक गंभीर मामले भारत में ही हैं। कोरोना के आंकड़ों पर नजर रखने वाली वेबसाइट वर्ल्डमीटर के मुताबिक गंभीर मामलों की लिस्ट में भारत नंबर 1 पर है और इसके बाद अमेरिका या ब्राजील का नंबर आता है। कहां कितने गंभीर मामले? भारत 8,944, अमेरिका 8,712, ब्राजील 8,318, फ्रांस 5,341, मेक्सिको 4,798। कोरोना की इस लहर के बीच भारत के लिए ये आंकड़ा चिंता बढ़ाने वाला है, क्योंकि गंभीर मामलों में ही सबसे अधिक जान गंवाने का खतरा बना रहता है। अगर इससे अलग दूसरी लिस्ट की बात करें तो एक्टिव केस के मामलों में भारत 5वें नंबर पर है। भारत में अभी 7 लाख से अधिक एक्टिव केस हैं। इन केस की संख्या भी हाल ही में बढ़ी है, जब होली के आसपास से ही देश के कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं। एक्टिव केस के मामले में अमेरिका नंबर 1 है, जहां करीब 70 लाख कोरोना के एक्टिव केस हैं। कोरोना महामारी और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।